दी न्यू ब्लॉग। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? अच्छा बढ़िया हो, चलो अच्छी बात है। और वीडियो की स्टार्टिंग कैसे लगी मुझे वो भी बताना कमेंट करके। तो भाई वीडियो बहुत लेट हो गई, उसके लिए ढेर सारा सॉरी। एक्चुअली ना पता है गाइस मेरे साथ क्या हो गया था, मेरी कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि भाई मेरे को वीडियो शूट के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ, मेरे डैड को कोविड हो गया था तो उस वजह से मेरे 2 मंथ तक तो वीडियो वगैरह का कुछ सीन ही नहीं बना। तो आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो निकला हूँ ब्लॉग पे। तो रिसेंट आप सभी लोगों ने जो पिक देखी है 26 जून की है, एग्जैक्टली वही दिन जिस दिन मेरा बर्थडे था। खैर अभी वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ी बहुत कमज़ोरी है तो वो अपने टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो गाइस मेरा तो यही है, आप सभी लोग थोड़ा मास्क पहन के रहो, ध्यान से रहो, ढंग से रहो। एनीवे गाइस तो फिर कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। वैसे तो टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा हम कहाँ जाने वाले हैं आज, बट फिर भी हम लोग आज जा रहे हैं वैसे नारगढ़। भाई वहाँ के सीन देखना आप एक बार, वीडियो पूरी एंड तक देखना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। और ये मेरे दोस्त हैं, हम लोग आज साथ में जाने वाले हैं। तो भाई अगर वीडियो थोड़ी सी ब्लर आ रही हो ना तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज बारिश का मौसम है यार, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो भाई पहुंच चुके हैं अपन नाहरगढ़ के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ से होती अपनी चढ़ाई स्टार्ट। भाई सीन देखियो, खतरनाक सीन आएंगे देख इधर के। ओ भाई बस ये है, यहाँ तेल की एस्टेज हो जाएगी, बहुत तेल खाई गाड़ी, कम से कम 200 रुपये का तेल खा जाएगी साली चढ़ाई में। सीन देखियो, ओ भाई साहब ओपी। बारिश का पानी आ रहा है भाई साहब, आगे देखियो रे। ओपी चलो भाई, गाड़ी साफ हो गई पूरी, ये और क्या लेगा। ओपी गाड़ी पूरी गंदी हो रही, पूरी साफ हो गई गाड़ी यार, और क्या लेगा। ये चलाओ, अरे चढ़ेगी यार, कैसे नहीं चढ़ेगी बोलो, क्या बोल रहा है, केटीएम नहीं चढ़ेगी क्या, इस पर क्या बात कर रहा है तू यार। क्या बोल रहा है लौंडा, बोल रहा था कि भाई ऊपर ना भाई सीन यार, पर गलत तो नहीं है ना। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओपी बना ले, बना ले भाई, बन रही है पूरी, इधर से बनाया तो बना ले, डीएसएलआर से भाई, डीएसएलआर से इधर बन जाएगी। अपन वापस इससे आएंगे क्या, बना बना फिर बना उधर। तो गाइस ये देखो अपने नाहरगढ़ से पिंक सिटी के नज़ारे, भाई बहुत ही औसम लग रहा है यहाँ से। पता नहीं आपको कैमरा पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसका इतना वाइड एंगल तो है नहीं, फिर भी मैंने इसको अल्ट्रा वाइड पर कर रखा है, पर भाई बहुत ही औसम लग रहा है ओरिजिनली में तो। तो भाई एक दो फोटो क्लिक कर लेते हैं। वैसे तो अभी ये मिड ही है, अभी तो थोड़ा अपन और ऊपर चलेंगे, वहाँ से देखते हैं। रास्ता बड़ा मस्त है यार भाई, जो होता है रिस्की रास्ता यही है, वो वाले में तो कोई रिस्की नहीं है। ये आमेर वाली दी के फोर्ट की झील है जो है सामने है ना, आमेरी तो है यार। ये ऊपर गाड़ी वाड़ी का है पूरा, हाँ भैया गाड़ी का है, और मास्टर जाओगे आगे तो आराम से, आराम से गाड़ी गाड़ी खड़ी करोगे। तो भाई हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट के ऑलमोस्ट टॉप पर ही हैं, यहाँ से तो भाई और भी खूबसूरत लग रहा है, देखो बहुत ही खूबसूरत सीन है यार।
शायद लगता है इधर पार्किंग की स्लिप वगैरह मिलेगी। अरे कोई बात नहीं भाई, लो सर पर्ची। बस पकड़ मेरा। तो भाई यहाँ 5 बजे बाद का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ ये लोग एंट्री बंद कर देते हैं फोर्ट के लिए, पर आप सनसेट वगैरह देखने के लिए इन्हें बोल दो कि यार हमें रेस्टोरेंट वगैरह जाना है, तो ये एंट्री कर देते हैं। फिर इतनी हाइट से यहाँ सनसेट का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, पर अफसोस अभी सनसेट होने में बहुत टाइम है, तो मैं आपको उसे अभी दिखा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ कहीं 4-5 किलोमीटर इधर अंदर की तरफ कोई झरने या कुंड टाइप का है, तो वहाँ भी अभी हमें जाना कैंसिल ही करना पड़ा क्योंकि वहाँ पैदल जाना पड़ता, तो इस वजह से। पर आपको कुछ रेस्टोरेंट वगैरह जाएंगे, और तो वैसे तो अभी यार सनसेट हुआ नहीं है, सनसेट का ही मतलब है उस सनसेट पॉइंट पर जाने का, बाकी तो वैसे नॉर्मल ही है जो आपको यहाँ से दूर से देखने पर भी दिख जाएगा। ये सामने जो वे जा रहा है ये फोर्ट की तरफ ही जाता है, बेसिकली इसमें कुछ टिकट वगैरह लगता होगा फोर्ट का, उसके बाद आप फोर्ट को देख सकते हो। तो भाई फोर्ट का ब्लॉग तो अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे साथ वालों के पास टाइम नहीं था, और फिर अगर हम चले जाते तो कम से कम 1 घंटा अंदर लग जाता फोर्ट में, उसके बाद फोर्ट क्लोज भी होता है शायद से 5 बजे के आसपास ये क्लोज हो जाता है। खैर एनीवे अपन इधर के सीन को करते हैं एंजॉय। तो ये है यहाँ का टी पॉइंट, मैगी पॉइंट, या मेरा फेवरेट पॉइंट भी आप बोल सकते हो उसे। तो भाई यहाँ के आपको मैं सीन दिखाता हूँ, आप इंजॉय करो एक बार, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई। तो चलो थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं सीन। नीचे की तरफ यार कीड़े बहुत होते हैं इधर, तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। गाइस तो आपको फ़ोन के कैमरे से शायद इतना अच्छा व्यू नहीं लग रहा होगा, तो चलो मैं आपको थोड़े इसके DSLR के शॉट दिखाता हूँ, फिर बताना आप। भाई बहुत ही ऑसम सीन लग रहा है, कसम से बहुत ऑसम सीन है यार, देख के जाइए थोड़ा ना गिर मत जाइए। तो भाई मुझे तो व्यू बहुत अच्छा लगा, भाई आप लोगों का व्यू बताओ कैसा लगा आपको देख के, और भाई अच्छे लगे हो ना शॉट तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। ओ भाई मन तो ऐसा कर रहा है यहीं गाड़ी लगा के थोड़ी देर बैठ जाऊं, पर वो है ना टाइम की कमी की वजह से थोड़ा हमें जल्दी जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो थोड़ी सी हाइपर राइडिंग करते हैं, आप करो इन्जॉय। Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have
I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it running. तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो करना है तो. Got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have. अगर इस भाई की तरह आप सभी को भी वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब मार देना, वीडियो को शेयर करो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.